आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों पर। निकाली गई रैली को प्रदेश में मंत्री गोपाल भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास पहुंची, जहां सरदार पटेल के मूर्ति शिल्प पर फूलों की माला चढ़ाई गई। इसके बाद रैली में शामिल लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर हार चढ़ाया। यहां से रैली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां मरीजों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे हैं। देखो आज हमारे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के अपने समय के सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े शिक्षाविद, जिन्होंने इस देश के सबसे पिछड़े बुंदेलखंड अंचल में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन भर की कमाई विश्वविद्यालय के लिए दे दी। उस विश्वविद्यालय में भी शिक्षारत रहा हूँ, मैं भी उससे पढ़ा लिखा हूँ उसी विश्वविद्यालय में। तो ऐसे विश्वविद्यालय का के जनक और निर्माता और दानकर्ता डॉक्टर हरि सिंह गौर का आज जयंती है, जन्मदिवस है। मेरा उनकी चरणों में प्रणाम है। और ऐसे महापुरुष हमारे बुंदेलखंड में बार बार जन्मे, यही प्रभु से प्रार्थना है। डॉक्टर गौर जहाँ भी हों, ईश्वर की आशीर्वाद उस आत्मा के लिए उनकी बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और हमारी धरोहर हैं डॉक्टर गौर, सागर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की, क्योंकि जब उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय था अविभाजित मध्य प्रदेश में, जो सीपी बरार कहलाता था। एक नागपुर में था, दूसरा सागर में था, बाद में एक विक्रम विश्वविद्यालय शुरू हुआ। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के इकलौते सबसे पहले विश्वविद्यालय के वो प्रणेता थे, निर्माता थे। तो इसलिए और ज़्यादा महत्व हो जाता है। आजकल तो गली गली में विश्वविद्यालय हैं, आपने देखा होगा, लेकिन उस समय एक ही विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में था, जिससे शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े लोग निकले, IAS, IPS, IFS, बड़े बड़े लोग निकले, राजनीतिक लोग भी हैं। आज हमारे सागर जिले में जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, और आजू बाजू के ज़िलों में भी सभी सागर विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। मैं भी पढ़ा हूँ, भूपेंद्र सिंह भी भाई पढ़े हैं, गोविंद भाई पढ़े हैं, सभी लोग। और हम लोगों ने विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति जो शुरू की, और उसी के बाद धीरे धीरे चुनावी राजनीति में आए। द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार अधिवक्ता दिवस, संविधान दिवस और डॉक्टर गौर साहब की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हम सभी साथी गणों ने एक बाइक रैली निकाली है, जिसमें रास्ते में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और साथ ही हम अस्पताल चौराहे पर पहुंचकर 2 मिनट रुककर अस्पताल में फल वितरण का कार्य वितरण किया मरीजों के लिए। और इस कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी ने यह बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग शामिल रहे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। शाजापुर के अन्य कला स्वास्थ्य केंद्र पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, साथ यहां के भवनों में घटिया निर्माण कार्य की बात सामने आ रही है। भवनों की स्थिति कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को बयां कर रही है। इस मामले में जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं। हालात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के भवन पर बिना शासकीय प्रक्रिया अपनाए कई बार रंगाई पुताई का काम कर दिया गया। यही नहीं, जिम्मेदारों द्वारा यहां के भवन को लेकर सही तरह से ध्यान नहीं दिया गया। स्थिति यह रही है कि भवन की रेलिंग क्षतिग्रस्त होती रही,
लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आरोप यह तक लगाया गया है कि भवन के रेलिंग को जानबूझकर तोड़ा गया। दूसरी ओर अधिकारियों ने इस मामले में भवन के रखरखाव को लेकर कोई पहल नहीं की। बाद में रेलिंग अधिक टूट गई तो नए सिरे से रेलिंग का कार्य करवाया गया। मामले में जिला चिकित्सालय के अधिकारी राजू निद्रिया ने कहा है कि यदि कहीं भी असंगत कार्य किया गया है तो हम उसकी जांच करवाएंगे और संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे लगभग 6 से 8 महीने पहले कुछ कायाकल्प हुआ था और उसी को तोड़ करके पुनः वैसा का वैसे ही बनाया, तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग नहीं हुआ सरकार के? ये जो कायाकल्प वाला जो कह रहे हैं, उसका जो उसका एंगल था वो पूरा फुलफिल नहीं हो रहा था। एक जो 15 डिग्री एंगल होता है जिसमें आसानी से भरा जा सकता है, तो उसको करेक्ट करवा रहे हैं। कचरा घर के लिए भी जो रास्ता बनाया वो टीम आने से पहले टूट गया। टेम्परेरी अभी बनाया था, उसके अंदर जो बैकिंग है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। अभी आपने एनकॉस की टीम को लिए सभी दूर से जो यहाँ पे स्टाफ बुलाया है, कई अस्पतालों में असुविधा हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो उनको इस क्राइटेरिया के अंदर आसपास के जो संस्था है उनका भी इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके लिए कॉल करना है। उसके अंदर है प्रोटोकॉल। अरनिया का नाम है, पहले 3 डॉक्टर थे, अभी 1 ही डॉक्टर है। तो डॉक्टर की क्या व्यवस्था रही? एक डॉक्टर पीजी में सिलेक्ट हो गए हैं, अर्बन पीएससी में तो नए डॉक्टर आएंगे, जो जाता है तो वापस आते भी। महिला डॉक्टर की यहाँ पे आवश्यकता रहती है? महिला के लिए लिख दिया है हमने, जो पहले यहाँ की महिला डॉक्टर थी वो पीजी में सिलेक्ट होने के सबको अपने कैरियर की जो है वो चले गए, उनकी जगह दूसरी आएगी। बॉन्डेड भी अभी आ रहे हैं हमारे पास, पीएससी से भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में फुलफिल हो जाएगा। सर, एनकॉस का जब काम प्रारंभ हुआ था तब आप आए थे, जब भी आपसे एक सवाल किया था कि बिल्डिंग पे 2-3 बार कलर किया है? नहीं, कलर उसके नॉर्म के हिसाब से, अगर कलर गलत है तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो एक सरकार की गाइडलाइन होती होगी उसमें भी कि किस प्रकार का कलर करना पहले देते होंगे आपको, तो जो गलत काम किया है उस पर आपने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो उस पर कार्रवाई होगी ना? अगर गलत है तो उस पर होगा। गलत ही तो हुआ, 4 बार कलर करना एक ही चीज़ को? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो एक ही बार हुआ, थोड़ा सा कलर था मैं खुद था पूरी बिल्डिंग की। सर मेरे पास भी वीडियो है उसका, ठीक है तो देख लेंगे ना, हुआ जो दोषी होगा उसको करार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा जनपद के थाना कमासिन क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेरा में पेयजल योजना की पाइपलाइन लीक हो रही है, जिसके कारण पाइपलाइन का पानी आसपास के खेतों में जमा हो रहा। पाइपलाइन का पानी खेतों में जमा होने से किसानों के फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को इस बारे में कई बार जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस मामले में किसानों ने फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा भी मांगा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम समरपाल सिंह। समरपाल जी, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम बीरा के। क्या परेशानी हुई है, क्या हुआ है? ये है कि जेसीबी जो लाइन हमारे खेतों से गई हुई है, ये पिछले 10 दिनों से हम लोग इनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ लीकेज है, इसको बना दी। अच्छा, ये जो पेयजल परियोजना के तहत लाइन है, जो पेयजल है, तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी आया, ना कर्मचारी देखने। आवाज हमारे खेतों में पूरा भर गया, उसमें सरसों बोई है तो 1100 रुपए किलो का बीजा हमने डाला है, खाद और जुताई अलग है, पूरी बगैर काम की हो गई। और यहाँ पर गेहूं बोया गया है जो 8,500 रुपए कुंटल का गेहूँ बोया है। लगभग कितने बीघे की फसल आपकी नष्ट हुई है? हमारे कम से कम 2 बीघे की। 2 बीघे की। ये किनके नाम जमीन है? जमीन है समरपाल सिंह, जीतपाल सिंह, भूमपाल सिंह। भूमपाल सिंह, तो आपका जब ये खेत बूढ़ गया है तो आपने संबंधित कर्मचारी या अधिकारियों को जानकारी दिया? अधिकारी पूरे यहाँ से वहाँ तक दे दिया, तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हो जाएगा, पंप सेट भेज रहे हैं तो पानी निकाल दिया जाएगा, और बस इतना बोल के रह गए, ना कोई फोन उठा रहा है ना कुछ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसका नुकसान भरे ये लोग, अभी 1 साल के लिए तो खेत बेकार हो गए हमारे। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।